नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो को करें जाते जाते हैं, तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में एक सबसे ज़्यादा मजबूत गठजोड़ बना और अच्छी तरीके से वो गठजोड़ मिलजुल कर काम भी कर रहा था, पर अफसोस की बात यह है कि वो राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते उस गठबंधन में, उस गठजोड़ में दरार पड़ती हम सबको देखी, और हमको देखी, सबको देखी, समाज को देखी, पर जो अंधभक्त हैं उनको ना देखी। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े अफसोस की बात है। बात कड़वी है मगर सत्य है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों का भी बड़े पैमाने पर अपमान देखने को मिला है। चंद्रशेखर आज़ाद जयंत चौधरी का हर पैमाने पर साथ दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हर तरीके से जयंत चौधरी के साथ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय लोकदल के हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ हैं, पर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं, आज 23 दिसंबर है और आज ही के दिन 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती मनाई जा रही है। भरतपुर तमाम यानी कि सॉरी धौलपुर में एक जनसभा है, धौलपुर में तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं और जयंत चौधरी उस सभा में जा रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती वो मना रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँच रहे हैं, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तमाम बैनर पोस्टर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन बैनर पोस्टर को शेयर करते हुए रामवीर जटोलिया, स्थानीय नेता हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई है। इन पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने साफ साफ लिखा है, भरतपुर में कल यानी कि आज 23 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम में मंच पर लगे बैनर में मैं भी बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया है और वो लोग लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि जब जयकारे लगाने वाले और भीड़ बिना मेहनत करे मिल रही है तो फिर वो क्यों हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे। ये रामवीर जटोलिया ने एक बड़ा सवाल पैदा किया यहाँ पर। उन्होंने लिखा है, पूरे ग्राउंड में मुख्यमंत्री व आदि कांग्रेस के मंत्री सहित अन्य नेताओं के बैनर होर्डिंग लगे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का किसी भी बैनर पर एक भी फोटो नहीं है, फिर भी हमारा भाई आएगा जरूर और हमारी समाज के लोग जयकारे लगाने भी जरूर जाएंगे। तमाम जो बैनर, तमाम जो पोस्टर हैं, तमाम जो अखबार की कटिंग है उन्होंने साझा किए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन तमाम बैनर पोस्टरों में आप देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो कहीं नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं है वो छोड़िए, पर अफसोस की बात यह है कि आज 120वीं जयंती चौधरी चरण सिंह जी की है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी इस बैनर पोस्टर पर फोटो नहीं है। एक बड़ा अपमान है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ। मैं तो कहूँगा, अगर ये वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद जी देख रहे हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस जनसभा में ना जाएं, क्योंकि इसमें आपके साथ साथ आपके महापुरुषों का भी अपमान हुआ है। तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों को ये वीडियो, ये मेरी बात है, बुरी लग रही होंगी, पर बात बिल्कुल सत्य है, बात मान सम्मान की है। आपको मेरा साथ देना होगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। भले ही आप मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो, जो आपके मन में आए वो कह सकते हो, पर सच्चाई छुपा नहीं सकते। मेरा साथ दीजिए और मेरा विरोध ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। सच्चाई आपको जरूर जाननी होगी, जो कि आपकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है सच्चाई। इस बैनर पोस्टर में एक भी फोटो नहीं है और आज चंद्रशेखर आज़ाद इस जनसभा में जाएंगे और चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती मनाएंगे और तमाम नेताओं के साथ शामिल होंगे। शामिल होने से पहले एक बार वो बैनर पोस्टरों पर ध्यान और नज़र जरूर डाल लें और आगे से वो ध्यान दें, और आगे से किसी भी कार्यक्रम से जाने से पहले सम्मान स्वाभिमान से समझौता ना करें। ये मेरा निवेदन है चंद्रशेखर आज़ाद से। चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत सम्मान हम करते हैं, उन्होंने समाज को जागरूक किया, समाज को युवाओं में एक नया जोश भरा, उनका हम सम्मान करते हैं, तहे दिल से सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता, जोशीले नेता शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई चंद्रशेखर आज़ाद की तरह दहाड़ता हो। पर चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपको ये भी जरूर देखना होगा जो बैनर पोस्टरों में साफ साफ लिखा है, हालांकि जितने पोस्टर साझा किए हैं रामवीर जटोलिया ने, उन्हीं पोस्टरों को देखते हुए हम अपनी बात रख रहे हैं, वहाँ कितने पोस्टर हैं ये देखने हुआ, पर हमने आपको
रामवीर जटोलिया के द्वारा की गई पोस्ट के आधार पर अपनी बात रखी है। और अगली खबर यही है कि तमाम EWS आरक्षण को लेकर तमाम बवाल छिड़ा हुआ था। केंद्र सरकार ने अब मान लिया है कि EWS आरक्षण देने से पहले कोई भी किसी भी तरह का सर्वेक्षण नहीं हुआ, यानी किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ, और EWS आरक्षण 10% आरक्षण यूं ही बिना कुछ सोचे समझे उस वर्ग को दे दिया गया जो कभी उस आरक्षण के लिए लायक नहीं है और उस आरक्षण का हमेशा से वो विरोध करता आया है, जो हमेशा से दौड़ में पीछे थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कड़े संघर्ष कड़ी मेहनत के बाद उनको बराबर में ला के खड़ा किया। आरक्षण सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, यानी कि जो दरवाज़ा बंद था उस दरवाजे का खोलने की चाबी है, और संघर्ष दलित पिछड़ों को आज भी करना पड़ रहा है, दौड़ में शामिल होकर उन्हें प्रताड़ना, जाति सूचक शब्द झेलने पड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है और उसके साथ एक पोस्टर किया, जो कि प्रूफ के साथ आप देख पा रहे होंगे, लेटर पेड जारी किया है। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकार तक मंत्रालय लोकसभा, यानी केंद्र सरकार ने अब मान लिया है कि जो आरक्षण दिया गया है वो किसी भी सर्वे नहीं किया गया है, ये केंद्र सरकार ने मान लिया है। एक क्वेश्चन है आपको मैं बताऊं, खा ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा क्या EWS लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है, और ये यदि हाँ तो तत्वस्थ राज्यवार ब्यौरा क्या है। तो इसमें साफ साफ आंसर ये किया गया कि जी नहीं, कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया। आखिर इतना बड़ा फैसला बिना सर्वे के कैसे ले लिया गया, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एक अहम सवाल है। इस पर दिलीप मंडल ने काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया है। दिलीप मंडल ने ट्वीट करते लिखा है, केंद्र सरकार ने आखिरकार अब लोकसभा में ये मान लिया है कि सर्वण को EWS आरक्षण देने के लिए किसी तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया था। सरकार को ना तो EWS की संख्या मालूम है और ना ही उनकी गरीबी के बारे में कोई आंकड़ा उसके पास है, 10% कोटा का कोई आधार नहीं। ये दिलीप मंडल का कहना है, 10% कोटा, 10% आरक्षण का कोई आधार नहीं है, ये दिलीप मंडल का कहना है। और केंद्र सरकार ने मान लिया है, लोकसभा में मान लिया है कि यानी कोई भी सर्वे नहीं कराया गया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है और इस विषय पर, इस सवाल पर चर्चा होना लाजमी है। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में देना। और चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो ना दिखने पर, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद का और जयंत चौधरी के साथ फ़ोटो ना दिखने पर, जो मतलब भरतपुर में जो सभा हो रही है वहाँ फ़ोटो ना दिखने पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों में काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भले ही पार्टी अलग बनाए हुए हैं पर हैं तो उन्हीं के समाज से, जब उनका अपमान होगा तो उनकी समाज का भी अपमान होगा। तो इस पर भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो भी चिंता है। फिलहाल तमाम छोटी बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय थी, कमेंट अपनी राय देना। आप देख रहे थे भीम मिशन टीवी, भीम मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।